मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट अगर अपनी पार्टी खुद का ऐलान करते हैं तो शायद उन्हें फायदा होगा बजाय इसके कि वो कांग्रेस में रहे। हाँ। कि अगर राजनीतिक तौर पे वाकई में मजबूत करना है तो आपको किसी बड़ी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। आप कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, आपके पास आम आदमी पार्टी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि नई पार्टी का अगर ऐलान करेंगे तो शायद उन्हें फायदा की बजाय नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। कल ही हम सब ने इस तमाशा को देखा कि कैसे आज देश में जो है खुल्लम खुल्ला वो मीडिया जो पूरी देश की निगाहें उस पर बनी रहती हैं, जो ब्रॉडकास्ट है कैसे जो है पल भर में खबर झूठी खबरें फैलाता है। विनेश फोगाट साक्षी मलिक के मामले में देखा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाते हैं, अशोक गहलोत की सरकार पर हमला बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं तो फिर सचिन पायलट उसका मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। अगर उनकी मंशा गलत होती, अगर उनका इरादा गलत होता, अगर कांग्रेस से नाखुश होते तो वो शायद फिर पीएम मोदी पर हमलावर नहीं होते। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की जो जंग है वह और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर लंबे वक्त से यही अटकलें तेज हैं कि सचिन पायलट अन्य किसी दल से जुड़ सकते हैं या फिर अपनी नई पार्टी का वह गठन कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट जल्द से जल्द कोई अहम ऐलान कर सकते हैं और इसको लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में एक बार फिर से चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट के बीच की सियासी जंग को थामने के लिए, खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कई अहम दाव पेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट के जो कड़े तेवर हैं वह नरम होते हुए अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। 29 मई के दिन दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पायलट गहलोत के साथ साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तो वहीं केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। उस वक्त उस बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल का साफ तौर पर कहना रहा कि दोनों ही नेता मिलकर इन चुनाव को लड़ेंगे। ऐसे में देखा गया कि सचिन पायलट के तेवर फिर भी नरम नहीं हुए। अब देखा जाए तो पायलट को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि 11 जून के दिन अपनी पार्टी का वह ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां पर जो खबरें सामने आई हैं उन पर रुक किया जाए तो दो पार्टियां राजस्थान में रजिस्टर्ड हुई हैं और उनके नामों पर अगर रुक किया जाए तो प्रगतिशील कांग्रेस और दूसरी पार्टी का नाम राज जनसंघर्ष पार्टी बताया जा रहा है। इन दोनों में से किसी एक का नाम सचिन पायलट सजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 11 जून के दिन वह अहम ऐलान कर सकते हैं। 11 जून के दिन सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और दौसा में एक खास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अहम ऐलान जल्द से जल्द कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर यही कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब राजस्थान के सियासी संकट पर ही फोकस करने जा रहे हैं। तो न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो पायलट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनका दौरा ना सिर्फ टोंक में देखने को मिला है बल्कि उनके कई विधानसभा क्षेत्र जो है, जो उनके गढ़ माने जाते हैं, वहां पर भी वह दौरा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है आसिफ, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो सचिन पायलट अब जल्द से जल्द दौसा के दौरे पर नजर आएंगे, लेकिन टोंक में भी उन्होंने दौरा किया। लेकिन सचिन पायलट को लेकर यही कहा जा रहा है कि नई पार्टी का वह गठन कर सकते हैं। उनके विधायकों पर रुक किया जाए तो तकरीबन 18 से 20 विधायक उनके पास हैं। अगर नई पार्टी का गठन वाकई में आसिफ वह करते हैं तो क्या वह सफल होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस तरीके से गहलोत सरकार में विधायकों की संख्या 100 से अधिक बताई जाती है? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान की सियासत में जितना विपक्ष अपक्ष के बीच में घमासान मचता है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कोहराम अशोक गहलोत के जो गुट हैं और सचिन पायलट के गुट के बीच में मचा हुआ है। अब जहां तक नई पार्टियों का ऐलान, अगर हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, उसी से समझ में आएगा कि उन्हें फ़ायदा या नुकसान होगा। अगर आप सबसे पहले जहां से इस वक्त अभी हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, यहां से थोड़ा सा पड़ोसी राज्य में जाएंगे यानी कि पंजाब जाते हैं, तो देखिए वहां पर भी कैप्टन अमरिंदर ने भी यही ऐलान किया। उन्होंने भी पार्टी का ऐलान किया लेकिन पूरी तरीके से वो असफल रहा कि अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या किया, बीजेपी में शामिल हो गए कैप्टन अमित शाह से मुलाकात के बाद। अभी आपने देखे होंगे कि गुलाम नबी आज़ाद की बहुत चर्चाएँ होती हैं। गुलाम नबी आज़ाद भी पार्टी छोड़ते हैं, नई पार्टी का ऐलान करते हैं और खूब उनके साथ समर्थन होता है। उनके लगभग 20 से 30 नेता फिर कांग्रेस में आकर शामिल हो जाते हैं और बहुत सारे सुनील जाखर, बहुत सारे लोग हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट अगर अपनी पार्टी खुद का ऐलान करते हैं तो शायद उन्हें फायदा होगा बजाय इसके कि वो कांग्रेस में रहे। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि आप अगर कांग्रेस के साथ नहीं रहते तो किसी अन्य पार्टी में चले जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि सिंधिया ने किया। देखिए, सिंधिया
पहले सब कुछ सेट कर रखे थे, तब जाके आज कैबिनेट में मंत्री है। बेटा उनका खुद जो है आप ग्वालियर में देखिए वहाँ सेट है। तो मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक तौर पर वाकई में मजबूत करना है तो आपको किसी बड़ी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो आप बीजेपी या फिर कांग्रेस। आप कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, आपके पास आम आदमी पार्टी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि नई पार्टी का अगर ऐलान करेंगे तो शायद उन्हें फायदे के बजाय नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पायलट को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट जो नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं उसको यहाँ पर झूठा भी कहा जा रहा है। जो यहाँ पर जो उनके मंत्री हैं, जो उनके समर्थक हैं, वह साफ कह रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, यानी कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहेंगे। और दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पद वह स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, या फिर मुख्यमंत्री? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। कल ही हम सब ने इस तमाशा को देखा कि कैसे आज देश में जो है खुल्लम खुल्ला वो मीडिया जो पूरी देश की निगाहें उस पर बनी रहती हैं, जो ब्रॉडकास्ट है, कैसे जो है पल भर में खबर झूठी खबरें फैलाता है। विनेश फोगाट साक्षी मलिक के मामले में देखा हमने, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं क्योंकि आधिकारिक ऐसा कोई बयान नहीं है। हाँ ये जरूर है कि चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए अगर ऐसा कोई मंशा होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाते हैं, अशोक गहलोत की सरकार पर हमला बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं तो फिर सचिन पायलट उसका मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। अगर उनकी मंशा गलत होती, अगर उनका इरादा गलत होता, अगर कांग्रेस से नाखुश होते तो वो शायद फिर पीएम मोदी पर हमलावर नहीं होते। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हो सकता है कि ये अफवाह फैलाई जा रही हो सकता है कि मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में और भी लोगों को ये बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए कि ये लोग नाराज हैं, ये किया जा सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं क्योंकि आज देश में सिर्फ और सिर्फ मैं अनुराग ठाकुर से ही कहना चाहता हूँ मोदी सरकार की, देखिए आप जो भी जो छोटे छोटे यूट्यूबर है जो सवाल पूछ रहे सत्ता से, जो सरकार से, वो अगर सवाल पूछते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर देते हैं, उनके चैनल बंद कर देते हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल कल गलत खबरें चला रहा था दिन दहाड़े, जो सबके रिकॉर्ड में दम है, तो जाके उनका चैनल बंद कर दे, नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए सचिन पायलट आधिकारिक बयान नहीं दे तो शायद हो सकता है कि लोग ऐसे ही चला रहे हों, लेकिन ये भी हो सकता है चुनाव से पहले कैशों का बाजार दौर होता तो शायद कैश के तौर पर ये सब चीज़ चलाई जा रही है। आखिरी सवाल यही रहेगा कि सचिन पायलट जिनका वर्चस्व 30 से 40 सीटों पर माना जाता है और इन 30 से 40 सीटों का भारी नुकसान होगा कांग्रेस को अगर वह नई पार्टी का गठन करते हैं, ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अब तक राजस्थान में 4 दौरे कर चुके हैं और उन्होंने बार बार सचिन पायलट के गढ़ पर ही निशाना साधा है। तो क्या सचिन पायलट ही एक बेहद बड़ी चुनौती है दोनों ही दल के लिए? अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होते भी हैं तो क्या सचिन पायलट यहाँ पर दोनों ही पार्टी को चुनौती दे पाने में सफल होते हुए दिखाई दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए कोई शक नहीं है कि जहाँ तक 30 से 40 सीटों का जो आप जिक्र किए हैं, बिल्कुल देखिए उस पर उनका दबदबा है, जाटों के वोट बैंक के ऊपर उनका दबदबा है, और इसीलिए इस बात को कांग्रेस इस अहमियत को जानती है कि हमारे लिए जितना सचिन पायलट अहमियत है उससे ज़्यादा अशोक गहलोत भी है, इसलिए हम दोनों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ जहाँ भी जहाँ से देखिए सचिन पायलट ने शुरुआत की यात्रा की, जनसंघर्ष यात्रा की, वहीं से मोदी जी जाकर करते हैं। तो देखिए पीएम मोदी को और मोदी सरकार को, बीजेपी को इस बात का एहसास है, इस बात का उन्हें एहसास है कि भाई कहाँ पर सचिन पायलट का गुट जो है मजबूत है, वहाँ पे कार्यकर्ता कितने हैं, उनके समर्थक कितने हैं, और सबसे अहम बात वोट बैंक कितना है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस चीज़ को तोड़ा कैसे जाए, बांटा कैसे जाए, उसका फायदा मोदी सरकार को कैसे आए, इसके लिए पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सचिन पायलट इसको नाकाम साबित करने में जरूर जो है वो मुकम्मल होंगे। आखिरी छोटा सा सवाल, राजस्थान का अगला सीएम बनते हुए कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए इसमें कोई शक नहीं कांग्रेस की तरफ से, मुझे लग रहा है कि इतना जद्दोजहद जो हुआ तो शायद अशोक गहलोत ही बनेंगे, क्योंकि अभी देखिए सचिन पायलट दावेदार हैं, उसके लायक भी हैं, लेकिन कहते हैं तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होता है किसी राज्य को चलाने के लिए, तो शायद वक्त लेंगे तो आगे आने वाले वक्त के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी, अब देखना यही होगा कि आखिरकार राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ही बनते हैं या फिर बाजी पलटने वाले, बाजीगर कहे जाने वाले सचिन पायलट। फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट को लेकर अभी यही अटकलें तेज हैं कि मुख्यमंत्री पद तो उन्हें नहीं मिलेगा लेकिन प्रदेश अध्यक्ष या फिर उप मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें भी उप मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे जो एक वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बीजेपी शायद उन्हें आगे कर सकती है। देखते हैं कि राजस्थान में अगला सीएम कौन बनेगा और सचिन पायलट नई पार्टी का गठन करते हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।